दोस्तों, इन दिनों भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा घर से काम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम इन दिनों नया ट्रेंड बनकर उभरा है, लेकिन जितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उतनों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है। समस्या ये कि घर में ठीक तरह से ना बैठ पाने और लगातार काम करने के कारण कई लोगों को गर्दन और पीठ के दर्द की समस्या हो गई है। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना और बिना ठीक सहारे के बैठने से कई लोगों को समस्या हो रही है। ऐसे में अगर आपको भी किसी को लगता है कि आपके साथ भी ये समस्या है, तो इससे निपटने के लिए आज मैं आपके लिए 5 ऐसी खास एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती है। ये एक्सरसाइज नेक और बैक के लिए बहुत खास है और वर्क फ्रॉम होम से होने वाली परेशानियों को दूर करने में बहुत कारगर भी साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो एक्सरसाइज। पहला है नेक रोल। नेक रोल एक्सरसाइज काफी आसान है। इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। दिन भर स्क्रीन को देखते हुए हम सही से खुद को पोजीशन नहीं कर पाते हैं। ये सच में गले के दर्द और पीठ के दर्द के लिए परेशानी साबित हो सकता है और ये अगर लंबे समय तक बना रहा तो कई बार ये सिर दर्द का कारण भी बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर की प्लेसमेंट सही करनी होगी। जितना हो सके उतना आंखों की ऊंचाई पर रखें। इसके अलावा एक खास एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। नेक रोल करने का तरीका ये है। इसके लिए आप अपने गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, इसके बाद दाएं और बाएं और पीछे, यानी कि गर्दन को हर दिशा में घुमाना है। दोस्तों, इसे उतना ही करिए जितना आपसे आसानी से हो जाए और आपको कंफर्टेबल लगे। इसे 10 बार रोटेशन में कीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि इसे करते समय आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक फुल रोटेशन का मतलब जिस दिशा से शुरू किया है वहां वापस आ जाएं। दूसरी एक्सरसाइज है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड शोल्डर। एक तरह के पोजीशन में बैठते हुए कई बार कंधे भी बहुत दर्द करने लगते हैं, तो ऐसे में कंधों के लिए भी खास एक्सरसाइज की जा सकती है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसे अपने हाथों को उठाए बिना करना है। ये बिल्कुल इस तरह से करना है जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। तीसरा है चेस्ट ओपनर। ये एक और एक्सरसाइज है जिसे आप स्ट्रेच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आपकी पीठ के दर्द को भी आराम मिलेगा। ये आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके कंधों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अपने लोअर बैक के पीछे हाथ ले जाइए और चेस्ट को जितना हो सके उतना सामने लाने की कोशिश कीजिए। इसे उतना ऊपर लेकर जाइए जितना आप ले जा सकते हैं। ये बेहतरीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपके चेस्ट को सुडौल बना देगी। साथ ही साथ बैक साइड की स्ट्रेचिंग करने के लिए भी ये बहुत आसान है। आपको अपने पैर चिपका कर नहीं रखने हैं, इन्हें अलग अलग ही रखना है। चौथी एक्सरसाइज है स्पाइन ट्विस्ट। स्पाइन ट्विस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी कमर को आराम मिलता है। आप इसे बैठकर या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप चाहें इसे जैसे भी कर रहे हो, ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी स्पाइन सीधी हो, यानी कि आपको अपनी पीठ को सीधे रखना है। अगर आप ये बैठकर कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे बैठें जैसा दिखाया जा रहा है। उसके बाद कमर को ट्विस्ट करने की कोशिश करें, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएं। ऐसा करीब 10 बार करें। और पांचवी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये सबसे आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको अपनी पीठ पर थोड़ा फोकस करना है। दिन भर बैठे बैठे अगर आपकी पीठ अकड़ी हुई सी लग रही है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स करने हैं। बस ये ध्यान रहे कि आपके घुटने न मुड़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, क्योंकि इसकी जरूरत हर किसी को है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी घरेलू जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।